मैं भोजपुरी में मतलब जब से आया हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता रहा है अभी तक, और सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जो भी सभी लोग मेरे काम की तारीफ करते थे, इसके लिए आप सभी को दिल से प्रणाम। आज कादर जी के जन्मदिन में पार्टी में आप आए हुए हैं, कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? अरे बहुत खुश हूँ मैं, हम सबके सामने एक बेहतरीन एक्ट्रेस, बेहतरीन स्टार मतलब कंटिन्यू काम कर रही है, और इस हीरिये फिल्म में मैंने उसके फादर का रोल किया है, और काम करके बहुत अच्छा लगा उसके साथ। शी इज सो कोऑपरेटिव, बहुत कमाल की आर्टिस्ट। आज हीरिये का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है और एक हीरिया का मुहूर्त किया गया, उसको कैसे कमाल देंगे? हीरिया के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और होप सो, आई थिंक सो, इसमें सबका काम मुझे बहुत पसंद आया, मतलब मेरा काम सबको बहुत पसंद आया, तो आई थिंक सो उसमें भी रहूँगा मैं। मैं बिहार में पश्चिमी चंपारण बेतिया से का रहने वाला हूँ, और मेरी पहली फिल्म थी रावण शाहरुख सर के साथ, और उसके बाद बस उससे पहले टेलीविज़न में करता रहता था। और बहुत बहुत बधाई हो, मुझे जानकारी मिली है कि राजस्थान में आपको बहुत बड़ा अवार्ड से नवाजा गया है उसके लिए। जी जी, एक्चुअली मैंने तकरीबन एक साल पहले एक हॉलीवुड फिल्म की थी, स्लमडॉग मिलेनियर, एक फिल्म का नाम आप सबने सुना होगा, जिसने 8 ऑस्कर जीता था। तो उसकी जो प्रोडक्शन टीम थी, उन लोगों ने, एक अमेरिकन टीम थी, उनके साथ मिलके एक फिल्म बनाई है, एलेक्स ट्रिप नाम है उसका। तो अभी तो वर्ल्ड में कई देशों में जाके वो फेस्टिवल में घूम रही है फिल्में, तो अभी तक ग्रीस में, लॉस एंजलिस में, स्पेन में उनको 3-4 अवार्ड मिल चुके हैं, और सडनली 12 दिन पहले से जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल अवार्ड का समारोह हो रहा था, जिसमें 26 देशों की, जर्मन, कोरिया, मतलब रशिया, चाइनीज़, इटालियन, ईरानी मूवी, अमेरिकन फिल्म, स्पेनिश फिल्म, बहुत सारी फिल्में, 240 फिल्में दिखाई गई, जिसमें जिसका अवार्ड फंक्शन कल रात को हुआ, जिसमें हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, एक अवार्ड बेस्ट फिल्म का मिला और एक बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म का मिला, दो अवार्ड मिले। एलेक्स ट्रिप में फर्नांडो गिल हैं, जो हॉलीवुड एक्टर हैं, स्पेनिश और हॉलीवुड की 90s की सुपरस्टार हैं, अभी तो थोड़ी एजेड हो गई हैं, एताना सांचेज गिजोन, वो उसमें हैं लीड में, और इंडियन में मैं लीड में हूँ, मतलब ओवरऑल पूरी फिल्म में सेकंड लीड हूँ। जस्ट लाइक मतलब जो हीरो है, कहानी रिवील नहीं करूँगा, लेकिन एक अमेरिकन, अमेरिका में पैदा हुआ एक शख्स जो टेररिस्ट है, उसके और उसके बच्ची की कहानी है। उस बच्ची को पता ही नहीं है कि मेरे पापा टेररिस्ट रह चुके हैं और टेररिज्म में अरेस्ट हो चुके थे पहले, 10-12 साल पहले। तो उन दोनों के बाप बेटे के इमोशन के बीच की कहानी है, और मैं हूँ और मेरी भी एक बेटी है, उन मतलब ऐसा एक इमोशनल टच है, और बहुत सारे ताने बाने हैं कहानी के बीच में। बॉलीवुड और भोजपुरी में आप काफ़ी कर चुके हैं, क्या तीनों में अंतर होता है? नहीं, काम तो हर जगह काम होता है, सब लोग काम के प्रति ईमानदार होते हैं। हाँ, वो लोग ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब पंक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक एक मिनट, एक एक मिनट की वैल्यू और बहुत सारी चीज़ें। आपके अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि मैं हॉलीवुड में कर चुका, भोजपुरी क्यों करूँगा? नहीं नहीं, ये हमारी मिट्टी है, और मैं तो जितना हो सकेगा उतना भोजपुरी करूँगा। भोजपुरी के लिए तो मैं सीरियल कितने छोड़ चुका हूँ। लगभग सबके साथ किया है, पवन जी के साथ किया है, उनके साथ मेरी बड़ी जमती है, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं। खेसारी जी के साथ बहुत मेरी ट्यूनिंग अच्छी जमती है, अभी मेहंदी लगा के रखना 3 आ रही है, बाप बेटे के ऊपर जो प्यारी सी कहानी है, तो बड़ा काम करके मतलब बड़ा कोऑपरेटिव, मतलब बहुत ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमी उनके साथ भी। दिनेश जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी भोजपुरी सौगंध, उनके साथ भी 2 फिल्में की, सबके साथ, यश भाई कमाल के एक्टर है, एवरीबॉडी मतलब जितने आर्टिस्ट सबके साथ मेरी, रितेश सो कोऑपरेटिव, सो डाउन टू अर्थ, और जितने मेरे साथ काम किए, मतलब मेरी तो सबके साथ जम जाती है ट्यूनिंग। ऑफकोर्स मेहंदी वन बहुत कमाल की फिल्म बनी थी, तो मेहंदी वन अब उसकी फ्रेंचाइजीज है ये पार्ट 3, तो आपको तो पता ही होगा कि किसी भी लैंग्वेज में जब फिल्म का सीरीज बनता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पार्ट 1 से बेटर देन पार्ट 2 होता है, पार्ट 2 से बेटर देन पार्ट 3 होता है, तो उससे बहुत मतलब मैंने जो काम किया उसके हिसाब से, तो एक तो बहुत मज़ा आया मुझे काम कर, दूसरा मुझे ग्राफ बहुत अपर लगा, बहुत नेचुरल एक्टर, वेरी नेचुरल एक्टर, बस एक वर्ड में जवाब, वेरी नेचुरल एक्टर। और कौन कौन सी फिल्में
आपके रिलीज पर है? रिलीज पे तो बॉस है, मेहंदी लगा के रखना 3 है, घातक जो अभी कंप्लीट की टीनू वर्मा जी से मेरी कमाल की ट्यूनिंग जमी, ही इज सो टाइम के पंक्चुअल और बहुत मतलब प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं वो, और जान फिल्म है कल्लू जी के साथ, अरविंद चौबे जी जिसके डायरेक्टर हैं, अभी हीरी रिलीज पे है, कुछ फिल्मों के नाम नहीं याद आ रहे हैं अभी, कई फिल्में हैं। हमारे दर्शकों से ज़्यादा लेके कुछ कहना चाहेंगे? प्रयागराज भी रिलीज पे है, करेक्ट। दर्शकों से यही कहना होगा कि हमारी भोजपुरी फिल्मों का ग्राफ अपर टू अपर होता जा रहा है, बहुत बेहतरीन फिल्में एक से एक कंटेंट वाइज बनती जा रही हैं, तो आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार चाहिए कि हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा जो आप सबकी, हम सबकी भाषा है, इसको और ऊपर हमारी फिल्मों को लेके जाएं और उसको बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार दें। नहीं, पॉलिटिक्स में बिल्कुल रुचि नहीं है मेरी स्टार्ट से ही। थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।